क्वेश्चन नंबर टू, इन सिंबल वी राइट द टाइम ओनली बाय यूजिंग पास्ट। इन द क्लॉक शो इन क्वेश्चन नंबर वन इन टाइम आर। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर का टाइम दे रखा है, उसमें हम आपको बताना है कि इसमें मिनट्स को कैसे राइट करते हैं। इसको कैसे लिखा है, 2:20, 4:10, 8:05, 10:15 एंड 7:35। इसमें हम आपको मिनट्स को कभी भी अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे 8:05 तो जीरो आगे लगाना जरूरी है। टाइम इज 8:05 इज नेवर राइट एज 8:05। मिनट्स आर ऑलवेज रिटन एज 2-डिजिट नंबर। मिनट्स को हमेशा 2-डिजिट में लिखते हैं। अगर वो सिंगल फाइव पे हो रहा है तो आगे अपन जीरो लगा लेते हैं, 8:05। ओके, नाउ स्टार्ट। राइट द टाइम इज सिंबल फॉर द फॉलोइंग क्लॉक। इसमें कितना हो रहा है, लॉन्ग हैंड फाइव पे और शॉर्ट हैंड फोर पे है। फाइव का टेबल बोलेंगे 5, 10, 15, 20, 25। 25 मिनट्स हो रहे हैं और शॉर्ट हैंड हार्स वाली होती है और लॉन्ग हैंड मिनट्स वाली होती है। तो पहले हार्स लिखते हैं, 4 hours... 25 minutes। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट हैंड किस पे है, 9 पे। तो 9 hours... लॉन्ग हैंड किस पे है, 5, 10, 9, 10। शॉर्ट हैंड हार्स की होती है और लॉन्ग हैंड मिनट्स की होती है। तो हार्स पहले आता है, मिनट्स बाद में आता है। शॉर्ट हैंड किस पे है, 10 और 11 के बीच में, तो हम 10 ही बोलेंगे क्योंकि अभी वो पूरे 11 o'clock नहीं हुए हैं। और लॉन्ग हैंड किस पे है, 9 पे। 5, 1 से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 5 की टेबल बोलते हैं अपन, 45, 5, 10 जो 50, 5, 5 जो 55, 5, 5, 10 जो 50, 5, 11 जो 55, 5, 12 जो 60। 60 मिनट्स टोटल होते हैं अपन के पास। ओके, शॉर्ट हैंड 4 पे यानी हार्स वाले 4 पे एंड लॉन्ग हैंड 3 पे। तो 3 को क्या बोलेंगे, 15। इसमें 6 पे अगर लॉन्ग हैंड होती है तो उसको बोलते हैं 30, 3 पे होती है तो 15 एंड 9 पे होती है तो 45। थर्ड इज ड्रॉ टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अपन को अभी यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करनी है, 40 minutes past 3। तो 3:40, थ्री ऑफ यानी 3:40 हो चुके हैं, तो 3 और 4 के बीच में। और 40 कहाँ पे आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 8 पे आएगा। तो लॉन्ग हैंड 8 पे बना लेंगे। 5 minutes past 9 यानी 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं 9 बजकर। तो 9:05, तो उसको हम शॉर्ट हैंड किस में, 9 पे। हार्स वाली किस पे बनेगी, 9 पे। 9 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। और लॉन्ग हैंड किस पे बनेगी, 5 पे, 5 ये वाला, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 9:05। 10 minutes past 7, 7 मिनट बज के 10 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं 7 से। तो स्मॉल हैंड 7 पे और लॉन्ग हैंड 10 पे, तो 5:10। 10 मिनट्स ज़्यादा हो चुके हैं ना, तो मिनट्स क्या वाले, 5:10, 2 पे आ जाएगी। 15 minutes past 8, 8:15 यानी 8 hours वाली शॉर्ट हैंड किस पे आएगी, 8 पे। और 15 कहाँ पे होते हैं, 5, 10, 15, 3 पे। ओके, लॉन्ग हैंड मिनट्स वाली बाद वाली होती है और शॉर्ट हैंड हार्स वाली होती है। इसमें है 11:20, तो 20 मिनट पास 11 हो चुके हैं 11:20। तो 11 और 12 के बीच में शॉर्ट हैंड हो जाएगी। और 20 किस पे आएगा, 5, 10, 15, 20। हार्स तो जो बोलता है ना, हार्स वाली वो उसी के बीच में आती है और मिनट्स वाली हम 5, 10, 15 से काउंट करते हैं। ओके,